हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 13.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका रिटर्न देखा जाए तो एक साल के अंदर स्टॉक 100% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। और जो तेजी आपको बरकरार देखने को मिल सकती है, अभी भी स्टॉक यहाँ से आपको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर आप इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा, डाइक्लोसा 100, डाइक्लोसा 50, डाइक्लोसा स्प्रे, ये सब इनके प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि बीटेक्स, बहुत सारे व्यूअर्स ने इनके नाम सुने भी नहीं होंगे, पर मैं बता दूँ इनके हाइएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है ये बीटेक्स, और ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है। पर इसका प्राइस देखिए तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आगे दे सकती है। एक महीने के अंदर देखें तो 18 से 19% रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक 60 से 63% रिटर्न दे चुका है। स्टॉक अच्छा खासा हाई बनाया था 17.75 का। शॉर्ट टर्म में इस लेवल को आराम से आपको ब्रेक करते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करेंगे तो आराम से स्टॉक आपको 20 से 25 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर अंदर। साल भर का रिटर्न देखते हुए 127% रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैक्स देखेंगे तो स्टॉक लिस्ट हुआ था 8.10 के आसपास 2022 में, अभी फिलहाल 13.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 70 से 71% रिटर्न दे चुका है, जो कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल वाइज देखिए तो फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप 1297 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। स्टॉक पीस का 51 का देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई है, तो इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं बोलेंगे। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर भी देखते हैं तो इसके अगर आप कॉम्पिटिटर देखें तो टोरेंट फार्मा हो गया, ग्लैंड फार्मा हो गया, अजंता सिप्ला, ऐसे देखने को मिल रहा है। उनके हिसाब से इसका स्टॉक पी देखिए तो 51 का देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आप टोरेंट फार्मा से कंपेयर करते हैं तो इसका स्टॉक भी कम है। आरओसी देखिए तो इसका आरओसी 9.70 का देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। और वहीं इसके अगर आप सेल्स देखेंगे, उनका सेल्स था दिसंबर 2020 में 84.70 था, जो कि देखते हैं यहाँ देखते हैं 63.34 हो चुका है दिसंबर 2023 में, तो यहाँ घटते हुए देखने को मिल रहा है। पर अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें जो कि फिलहाल 13 था, जो कि फिलहाल 6.79 हो चुका है, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट और टैक्स भी देखें तो ये भी थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिल रहा है, पर ये दिसंबर का डाटा है, मार्च में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो इनके पास मात्र 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि माइनस में नहीं है, यहाँ पर प्लस में, जो कि बहुत ही सही है। पर कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखें तो ये थोड़ा सा माइनस में देखने को मिल रहा है, -45, तो ये थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग जून 2021 में 41.18 थी, जो कि फिलहाल 50.57 होते हुए देखने को मिल रही है मार्च 2024 में। तो यहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 41 था, फिर 44 हुआ, फिर 50 हो चुका है, देखते हैं यहाँ 50.57 हो चुका है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है, मतलब कंपनी आने वाले से कुछ अच्छा ही करने वाली है, जिसलिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग को यहाँ बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि प्रमोटर से अच्छा कोई नहीं आ सकता है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। FIs की देखिए कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही थी फॉर इन्वेस्टर की, पर यहाँ बढ़ी थी फिर घट गई थी। फिर से देखते हैं FIs ने यहाँ एंट्री ले ली है 0.08%, थोड़ी सी यहाँ पर FIs ने एंट्री ली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक की देखिए तो 58.82 थी, जो कि फिलहाल 49.35 हो चुकी है, तो यहाँ पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है। फंडामेंटल में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर पैटर्न इसका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इनका CAGR देखेंगे तो CAGR मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रिटर्न फॉर इक्विटी भी देखिए तो 5 साल के अंदर 11% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 5 साल के अंदर तो ये भी 69% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। उसके फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये स्टॉक आराम से आपको यहाँ से डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो मैं पुराने से उनको पता है, बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर में आगे दे सकते हैं। मुझे पर्सनल स्टॉक में ऐसा लगता है ये स्टॉक आराम से आपको यहाँ से एक अच्छा सिमरन आगे दे सकता है। तो अगर आप स्टॉक की तरफ जाना चाहते हैं तो 11 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपको इसमें एंट्री लेनी है। पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहना है, जिससे स्टॉक गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। और आराम से आपको स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर 22 रुपये का जाते देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। पर फ्रेश एंट्री अभी आपको नहीं लेनी है, 11 रुपये के आसपास लेनी है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।